हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन द हिजार डेल इज अ ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स मरीनो यूज एंड बीकानेरी रैम्स डिकानी ईस एंड बीकानेरी रैम्स या मरीनो यूज एंड एपिनाइन रैम्स क्वेश्चन ने पूछा है कि जो हिजार डेल होती है वो कैसे बनाई गई है हिजार डेल ओके okay? तो हिजार डेल जो है ये एक ब्रीड है शीप की जिसे कि पंजाब में डेवलप किया गया था ये एक ब्रीड है ब्रेड लिख दिया सॉरी ब्रीड है ऑफ शीप जिसे कि पंजाब में डेवलप किया गया था अब यहाँ पर दो चीज़ों का क्रॉस है कहने का मतलब है दो जानवरों का क्रॉस है यहाँ पर तो पहले तो हम समझ ले कि यूज और रैम्स का क्या मतलब होता है ठीक है तो जो यूज़ होती हैं, वो होती हैं फीमेल शीप फीमेल शीप को ईयूज बोलते हैं और जो रैम्स होते हैं वो होते हैं मेल शीप ओके अब इन्होंने क्या किया था ना इन्होंने दो अलग अलग ब्रीड्स लिए थे ठीक है यूज एक अलग ब्रीड है और रैम्स जो हैं वो एक अलग ब्रीड हैं कहने का मतलब है कि दोनों को जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया तो उनके अच्छे वूल के लिए करवाया गया था ठीक है तो यहाँ पे ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो हिज़ार डेल बना तो यहाँ पे पहला पहला ऑप्शन में दिया है बिकनरी यूज़ एंड मरीनो रैम्स ये सही जवाब है दूसरा है मरीनो यूज़ मतलब उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया तो बिकानेरी और मरीनो दो अलग अलग ब्रीड्स है ना तो ये गलत है थर्ड में डेकिनी यूज एंड बिकनेरी रैम्स ये भी गलत है और मरीनो यूज एंड एपेनाइन रैम्स ये भी गलत है तो ये सारे अलग अलग ब्रीड्स हैं शीप के इनके वूल के हिसाब से तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स बेस्ट ऑफ लक